सबसे पहले तो आपका गाना बहुत अच्छा जा रहा है, हिट जा रहा है, एकदम मूड बना लिया, सुन के हम सबका मूड हमेशा बन जाता है। तो ये गाना आपको कैसे ऑफर हुआ, क्या प्रोसेस था? बहुत ही खुशी है कि लोगों ने मूड बना लिया, इस गाने को पसंद किया, बहुत ही इसमें आनंद हो रहा है। सभी को मैं इसे पसंद करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। एक दिन हमने मीट ब्रदर्स के साथ जैमिंग सेशन किया था, जिसमें उन्होंने ये धुन हमें सुनाई थी और गुनगुना के देखा तो वो सूट कर रहा था वोकल्स को। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने वो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने में सबसे बड़ी चुनौती थी पंजाबी शब्द और उसका डिक्शन, जो क्योंकि मीट ब्रदर्स थे पंजाबी खुद ही है, उन्होंने उसमें गाइड किया। मैंने वो जो लिरिक्स थे उनको गाने से पहले उनको स्पीच के जैसे पढ़ा कुछ बार, जिससे पता चला कि कहाँ ज़्यादा पंच देना चाहिए, कहाँ प्रोनाउंसिएशन बदलना चाहिए। तो वो समझने के बाद वो धुन गाना बहुत आसान हो गया, बहुत ही पेपी ऐसी धुन है। और वो रिकॉर्डिंग के टाइम तो बहुत ही मज़ा आई, डांस करते करते रिकॉर्ड हो गया वो गाना। जो मैंने आपको अभी बोला, दिक्कत डिक्शन की ही थी, प्रोनाउंसिएशन की। जो जो स्क्रिप्ट को यानी वो गाने के लिरिक्स को मैंने बार बार अगर रीड किया, स्पीच के जैसे बोल के दिखाया, तो उससे वो जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई। हाँ, और हमने आपको म्यूजिक वीडियो में डांस करते हुए देखा, थोड़ा एक्ट करते हुए देखा, तो क्या हम आपको कभी फिल्मों में भी देखेंगे बहुत जल्द? मेरे लिए जब मैं कोई गीत गाती हूँ, क्योंकि मैं इमोशंस के साथ गाती हूँ, तो उसे इमोट करना फीचर होके वो इजी हो जाता है। मैं खुद को वहाँ तक के ही रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे और भी एक्टिविटीज़ है, सामाजिक, घर की और मेरे प्रोफेशनल, तो यहाँ तक मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। शूटिंग का प्रोसेस कैसा था और कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें शूटिंग से? बहुत ही शानदार था। आदिल जी उसके वीडियो डायरेक्टर थे और उन्होंने पूरा जो शूटिंग था वो बहुत ही आसान बना दिया, क्योंकि वो हरदम बोलते थे ये ऐसा ट्राई करते हैं, ऐसे करके देखिए, और जब हम करते थे वो शूट हो चुका होता था, तो हमें समझता ही नहीं था कि ये शूट हो रहा है, ऐसे नेचुरली हो जाता था। तो उसमें बहुत मज़ा आई, और स्पेशली जो उसमें जिनकी शादी थी, वो लड़की महक और द ग्रूम, उनके साथ भी बहुत मस्ती मजाक हुई, उनका कान पकड़ के घूमना भी पड़ा एक बार, तो उसमें मैंने बहुत उनको ज़ोर से कान खींचा, ये सब चीज़ों में मज़ा आई। और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना मूड बनाए रखे, सुनते रहिए, मूड बना लिया है। थैंक यू सो मच। और दो लाइन अगर हम आपके सुन पाएंगे। पालिका बाजार विच झांजरा मंगा दे, गोरे गोरे पैरां विच हथ नाल पा दे, सज के सवर के मैं होना तैयार वे, फिर मैनू लै जावे क्लब विच यार, अज मैं मूड बना लिया वे तेरे नाल ही नचना वे, अज मैं मूड बना लिया है तेरे नाल ही नचना वे, ट्रिप करांगे सारी रात माही अज नी थकना वे, अज मैं मूड बना लिया है तेरे नाल ही नचना वे। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली, बहुत अच्छा। थैंक यू।